हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अब हम बात करते हैं कि टॉक्सिक बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। दोस्तों, आजकल के खान पान और बहुत से नशे पत्ते से बॉडी बहुत ही टॉक्सिक हो जाती है, जिसमें फिर एनर्जी तो होती है पर एनर्जी यूज करने के लिए बन नहीं पाती है, क्योंकि आंत में बहुत सारे वेस्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स रक्त में नहीं पहुँच पाते। तो दोस्तों, थकान रहती है, चिड़चिड़ा रहता है आदमी पूरे दिन, सेक्स पावर भी कम हो जाता है, बहुत से कोई काम में जी भी नहीं लगता, जी मचलाना, बहुत से पेट मोटा हो जाने ऐसे हो जाते हैं। तो दोस्तों, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, बॉडी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है कोल्ड ड्रिंक्स और एल्कोहल से। दोस्तों, इनमें बहुत सारे वेस्ट पदार्थ होते हैं, एल्कोहल, जो आंत में जमा हो जाता है और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों, बाहर का खाना, बार बार पका हुआ तेल खाना, बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त बाहर के पदार्थ खाना, इनसे भी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती तो सॉरी दोस्तों टॉक्सिफाई हो जाती है। तीसरा मोटा कारण दोस्तों, स्मोकिंग, गुटखा चबाना और भी बहुत सी चीज़ें जो आप जानते हैं दोस्तों, रासायनिक पदार्थ आ रहे हैं मार्केट में, वो खाने से बॉडी टॉक्सिफाई हो जाती है। दोस्तों, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मैं आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको तीन ही चीज़ें बताऊंगा जो को सॉरी दोस्तों चार चीज़ें बताऊंगा जो आपको रेगुलर यूज करनी। सर्वप्रथम चीज़ है दोस्तों गुड़। गुड़ को आप रेगुलर खाने के बाद यूज करें दोस्तों, या हर नाल को और श्वास नली को डिटॉक्सिफाई करता है, उनमें फंसे हुए कचरे को अपने पेट के अंदर ले जाता है, वहाँ वो डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो गुड़ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पहला पदार्थ है दोस्तों। दूसरे नंबर पे नंबर आता है दोस्तों शहद का। सुबह खाली पेट एक चम्मच शहद थोड़े से गुनगुने पानी के साथ खाने से दोस्तों ब्लड का शुद्धिकरण होता है, तो आपको शहद रेगुलर खाने चाहिए। शहद में बहुत से न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं और थकान वगैरह नहीं होती दोस्तों, और बहुत से टॉक्सिक पदार्थों को ये शरीर से बाहर निकालने में भी कामयाब है, और जमी हुई फैट को भी ये बाहर निकाल देता है दोस्तों। तीसरा पदार्थ है दोस्तों एलोवेरा जूस। दोस्तों, एलोवेरा जूस से आंत की पूरी तरह सफाई हो जाती है, लीवर भी डिटॉक्सीफाई हो जाता है, आंत भी डिटॉक्सीफाई हो जाती है दोस्तों। तो एलोवेरा जूस बहुत ही न्यूट्रिशन युक्त होता है, ये लगभग पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर देता है। तो दोस्तों, एलोवेरा जूस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कामयाब चीज़ है जो आपको यूज करनी चाहिए। सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट एलोवेरा पीने से लगभग बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है और एनर्जी का संचार होता है दोस्तों। चौथा पदार्थ है दोस्तों गिलोय का जूस। गिलोय एक अमृत माना गया है शरीर के लिए, वो अमृत इसीलिए माना गया है कि वो नई सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है तथा बॉडी में जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, गिलोय का जूस आप एक टाइम पिए, गिलास भर के पिए, गिलोय के जूस को हो सके तो दोस्तों खाली पेट ही पिए। दोस्तों, इन चार चीज़ों के इस्तेमाल से आपको 7 दिन के अंदर रिजल्ट नजर आएंगे, और पहले दिन से भी आ सकते हैं दोस्तों, और आपको खुद महसूस होगा कि आप में फुर्ती आ गई, आपका यौवन वापस लौट आया है, आपकी सभी पावर्स आपके पास वापस लौट आई हैं, आप बहुत अच्छी तरह सेक्स लाइफ का भी मजा ले पा रहे हैं और भी काम है जो एनर्जी युक्त वो कर पा रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा संदेश था दोस्तों आपके लिए। आपको यदि कोई फायदा हो तो इसे आगे भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आगे भी आपको बहुत से उन्नत तरीके बॉडी को हेल्थी बनाने के लिए बताता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अब हम बात करते हैं कि